काका बाबा बधाई राम राम हूँ आव्यो तमारे वस्तु मुकेश भाई पर मारे खबर लईने आता छूं जे रीते मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिखाओ आने की शिखाओ कमाओ योजना के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी तिनी पर सवाल खड़ा कर रही आने की तिनी पर कह रही कि जे रीते मुख्यमंत्री शिवराज सरकार ने ये योजना निकली ये फेल खाई रही है कि जो बेरोजगार युवा से तिनी पर रोजी नहीं ले रहा लेकिन तिनी पर जे रीते बेरोजगार देश में अपना मध्य प्रदेश में कहीं रहा लेकिन कम से कम जीनी योजना में पंजीयन नहीं करी रहा तो एवं रीते केतरी पंजीयन केम नहीं करी रहा हूँ कारण से इनमें बे पार्टी एक बीजा पर आरोप लगाड़ रही जब रीते बात करें तो झाबुआ जिले की बात करें तो झाबुआ में 5,500 ने आसपास आई और पूरा पूरा मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरा मध्य प्रदेश में 4,00,000 के आसपास लोगों ने पंजीयन करी जो सोरा बेरोजगार से लेकिन तीन थी कई बेरोजगार युवा सोरा से तीन हारों नौकरी नहीं 10वीं 5वीं या 12वीं डिग्री करी करी रोजगार नहीं मिले लेकिन शिखाओ कमाओ योजना के माध्यम से पंजीयन करावे और सरकार ने योजना लाभ ली सके पर तीनी हाथे कांग्रेस पार्टी ना जो नेता किया कि भाई ये शिखाओ कमाओ योजना के भणी लिखी लोगों के शिखावा और दाढ़ी करवाने काम ये केवी सरकार की योजना लेकिन फिर भी लोग जो सोरा जुवान से त्या रूसी नहीं ली रहा तीन में कोई पंजीयन नहीं थी करा रहा लेकिन फिर भी आप ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में 7,000 इंदौर की बात करें तो 5,000 ने आसपास लोग पंजीयन करायु भोपाल की बात करें भोपाल में 7,000 ने आसपास लोग पंजीयन करायु एवं रीते ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में 5,000 बात करें और 4,500 ने आसपास जबलपुर में सोराए पंजीयन कराए तो झाबुआ में 4,500 लोगों ने भी पंजीयन करायु झाबुआ युवा सोरा से आ कांग्रेस पार्टी ना नेता वाली पार्टी ना नेता हूँ कि रहा तुम हमला ही नहीं मुख्यमंत्री की कमाओ सिखाओ योजना जिले में विफल साबित हो रही है जो युवा वर्ग है जो विद्यार्थी है वो इस योजना में रुचि नहीं ले रहे हैं किस तरीके से देखते हैं आप इसे अब मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी घोषणा पे घोषणा करता पर उसको अमल नहीं करवाता अब जैसे आपने बताया आपने युवाओं को सीखो कमाओ और खाओ अब क्या सीखें क्या कमाएं क्या खाएं और 5,000 रुपये तक का उसको मैंने फिर कर कुरा के और बाद में कि तुम को खाओ तो उसमें कोई योजना है नहीं और लोगों को मतलब कोई फायदा भी नहीं है और जो पढ़े लिखे नौजवान अपने कोई नौकरी मांग रहे नौकरी नहीं देंगे पर तुम सीखो कमाओ और खाओ और क्या सीखें क्या कमाएं क्या खाएंगे तो ये एक टालने का काम है लोगों को गुमराह करने का काम किया है जबकि पढ़े लिखे लोगों को इतने आज 3,00,000 पद खाली पड़े हैं मध्य प्रदेश में 3,00,000 पद खाली तो उन नौजवानों को इसके पास नौकरी दो ताकि अपना परिवार को पालते सके पर उनको तुम सीखो कमाओ खाओ अब क्या सीखेंगे क्या कमाएंगे क्या मिलेगा उसमें इसलिए नौजवान इंटरेस्ट ले नहीं रहे और बेचारे अच्छे पढ़े लिखे इधर उधर मजदूरी कर रहे और भाजपा सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही इधर मोदी जी कहते थे हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा किसको नौकरी दी बस वो घोषणा रहेगी 15,00,000 रुपये खाते में जमा कराओ कहाँ कराया वो भी गायब तो ये सब सारी चीज़ें आज मोदी अपने गुजरात में वहाँ पर मतलब जो GST वगैरह 2.5 लाख लगा रखी वहाँ पर और पूरे मध्य प्रदेश में 5,00,000 वहाँ 2.5 लाख और यहाँ 5,00,000 GST तो मध्य प्रदेश में गुजरात में 2.5 लाख तो ये बना एक अपने प्रदेश की तो बात कर रहा पर दूसरे प्रदेशों में डबल GST वसूल कर रहे हैं तो ये सब लोग परेशान हैं तो उनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है इसलिए लोग सब परेशान हैं आने वाले समय में 2023-24 में चुनाव आ रहा है अभी 3-4 महीने बाद उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा और कांग्रेस सरकार आएगी। देखो कांग्रेस ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सरकार माने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हमारा देश नो प्रधानमंत्री माने नरेंद्र मोदी जी जो भी योजना लावे ते कांग्रेस ने तो बुरी लाग है कांग्रेस ने अशांति तो विफल थी रही लाग है जबकि इनी योजना तो झाबुआ जिला ना युवा ने जिना जिना ने जानकारी से जिना जानकारी तिना हम जानकारी पण आली रहा जो भी व्यक्ति 10वीं पास करीन 12वीं पास थई रहो 12वीं पास करीन कॉलेज पास थई रहो कॉलेज थाने जो कई बीजी तैयारी करवा मंडी रहो जो भी अपने अलग अलग कक्षा पास कर अगाड़ी ऊपर बढ़ी रहो तिना स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक सीखो और कमाओ योजना निकाले तीन योजना ना माध्यम था जो व्यक्ति 12वीं पास होती ना तीना हिसाब तो सीखवा तीना हिसाब तो तीन कहीं नौकरी लगे तीन कमावा जो कॉलेज में जाए मतलब करे तो तीना तीना हिसाब तो कहीं नौकरी तीन कितरी
पगार मिले कहीं तीन नौकरी आरो तीन सीखवानों का तीनों केतरी कमाई मिले इनो फायदो पूरा झाबा जिला ना हमारा जो भणा लिखा सोरा से तीन मिली रहो ज्या व्यक्ति जिन्ह मालम से त्या तीन योजना फायदो ली रहो लेकिन कांग्रेस कांतिलाल भूरिया हमेशा हमारा झाबा जिला ना आदिवासी नौजवान जो पढ़े लिखा सोरा सा तेना गुमराह करवाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अनपढ़ हमारा भाइयों ने तेना जिंदगी भर तवे हमारा खून सोई हमारा वोट नहीं लेता लेकिन जो सोरा हमलदार था गया आज जो मुख्यमंत्री ने योजना तो तेना फायदो मिली रहो तो कांग्रेस अन कांतिलाल भूरियो अन डॉक्टर विक्रांत भूरियो जो सब बदा घबराई अने माननीय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बदनाम करवा रहे भी झूठी बात कर रहा बाकी एवं कई नहीं मिले ये योजना भारी फायदा की बात से हमारा झब्बा जिला घना सोरा इन फायदो ली रहा कांतिलाल भूरिए अने एनी कांग्रेस पार्टी हमारा आदिवासी लूटवानुं काम कर्युं आज अमारो माननीय मुख्यमंत्री जी एना शीखवा हारो नौकरी लागे तो अलग पण एना शीखवा हारो भी 10,000-12,000-15,000 तक रुपया अलग अलग केटेगरी ने 10वीं-12वीं पास थनारा ने कॉलेज पास थनार एक हमारो आदिवासी भाई तेना सोरण छात्रावासमां भणवा मेली अने तेओ कामे जाय ने तेना जेम तेम करीने तेनी सोपड़ियां तेना सीतरा लेवानी करे लेकिन आज अमारो माननीय मुख्यमंत्री शीखवा हारो रुपया भी आली रह्यो नौकरी भी आले एन तो बढ़िया शू थई शके लेकिन कांतिलाल भूरियो आदिवासी ने उन्नति आदिवासी विकास थवा तेना जो हजम नहीं कर सके तीन देखाई नहीं रहते तो घबराई नहीं उल्टा सीधा आरोप लगा रहे बाकी इनो फायदो सब युवा ने मिली रहो ये एक्चुअली क्या है मध्य प्रदेश शासन की एक योजना है कौशल से संबंधित इसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रतिष्ठान में युवाओं को दिया जाना है इसमें 12वीं पास ITI या डिप्लोमा होल्डर है या डिग्री किए हुए हैं ऐसे युवा जो 18 से 29 वर्ष की आयु के हैं वो ही इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं ये प्रतिष्ठानों का पंजीयन सबसे पहले पोर्टल पर चालू हुआ था 7 जून से जिसमें प्रतिष्ठान अपना किस तरीके का काम करते हैं वो उनका वर्क ऑफ नेचर क्या है मैन्युफैक्चरिंग है प्रोडक्शन है या उनके यहाँ वास्तविक रूप से जो काम होता है उससे रिलेटेड स्किल में युवा वहाँ पे उसको छात्र प्रशिक्षणार्थी के रूप में काम करेंगे तो युवाओं का जो सिलेक्शन है वो पोर्टल के माध्यम से ही होना है और पोर्टल पे इसका मध्य प्रदेश शासन का पोर्टल बना हुआ है मुख्यमंत्री सिखाऊ कमाओ योजना का जिसमें अभ्यर्थी पंजीयन का उसमें दे रखा है विंडोज उससे जाके अभ्यर्थी अपना खुद पंजीयन करेंगे EKYC करेंगे फिर उसमें जो पात्र होंगे युवा उनका प्रतिष्ठान अपने यहाँ जॉब रोल अनुरूप अपने कार्य के अनुरूप वहाँ पे उनको ऑनलाइन पोर्टल से ही ऑफर लेटर देंगे तो जब उसका सिलेक्शन हो जाएगा तो वो उसमें जो प्रतिष्ठान वाला है उसकी ई साइन होगा कैंडिडेट का होगा और मध्य प्रदेश शासन की तरफ से जो डिस्ट्रिक्ट अप्रूवल अथॉरिटी हैं जो प्राचार्य ITI को नियुक्त किया गया है उनका पोर्टल पे ही साइन होगा तभी वो वैलिड माना जाएगा इसमें सर किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा इसमें जैसे कि मैंने बताया प्रशिक्षण जो प्रतिष्ठान जिस तरीके का काम कर वर्क ऑफ नेचर मान लीजिए कोई केमिकल प्लांट है तो केमिकल प्लांट में यदि केमिकल इंजीनियर की ज़रूरत होगी या कहीं इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत होगी फिटर की ज़रूरत होगी ऐसा जो वहाँ वास्तविक रूप से उस प्लांट के लिए ज़रूरत रहती है वहाँ ऐसे ही प्रशिक्षणार्थी को वहाँ पे मैप किया जाएगा अभी तक सर कितने विद्यार्थियों ने इसका पंजीयन करा है अभी 4,155 छात्र प्रशिक्षणार्थी का पंजीयन हुआ है इसमें और इसमें जो प्रतिष्ठानों ने वैकेंसी क्रिएट की थी उसका हम लोगों ने अभी क्योंकि किसी ने गलत तरीके से भी वैकेंसी क्योंकि उनके सेक्टर से संबंधित नहीं ऐसे भी कर दिए थे उसको हटा दिया गया है और जो वास्तव में इस प्रतिष्ठान से संबंधित है उसी को वहाँ पे हमने उसको मैप किया है सर आपका नाम मैं मोहन सिंह अग्रवाल प्रिंसिपल ITI झाबुआ तो एक तरफ फूलवाड़ी पार्टी ना नेता अने एक तरफ कांग्रेस पार्टी ना नेता किया कि मध्य प्रदेश में सिखाओ कमाओ योजना जो से शिवराज सरकार ने साखत थायरी अने की बहुत बढ़िया अने धीरे धीरे आवाड़ समय में लोग
पंजीयन करे इन्हीं सरकार और इन्हीं योजना नो लाभ सोरा जवान सोरा ले है बेरोजगार से थिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ना किरा कि ये सरकार नी योजनाएं सब फेल थाई रही, लेकिन कुनी खरी से कुनी खोटी से तमो भी इना वीडियो भी भाड़े हुए तीन बेहद नाम बयान मुके दो तो हेवी रीते हूँ तुम्हारी उसमें फेर एवं खबर अनजानकारी लेने आते काका बाबदा राम राम।